सुबह सुबह के नज़ारे। हेलो जनाब, गुड मॉर्निंग। दादा की मॉर्निंग हो चुकी है, लग चुके हैं अपने काम पे। भाई देखो गाइस, सुबह के 7 बजे आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ चुका हूँ, क्योंकि टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी बता देता हूँ, हम जा रहे हैं आज अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसको ट्राई कर रहा था, मतलब कब ये डेट आएगी, और ये पल आ चुका है। 2 साल लग गए इस पल को आने के लिए। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और तैयार होते हैं। और भाई इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठना, मतलब आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोता रहता हूँ, हमारे कुछ ना नाइट ड्यूटी आजकल ज़्यादा चलती है, बट आज ठीक है। दूध और परांठे। तो भाई सुबह सुबह अम्मा गई थी उठ जल्दी, पता नहीं कैसे उठ जाते हैं जल्दी लोग, और इतनी गर्मी में आग के पास बैठना और परांठे बनाना सुबह सुबह। भाई एक अपने आप में ना फतह हासिल करने वाली बात है, हमसे कभी नहीं हो सकता। मैं इतना दूर बैठूँ ना, फिर भी हीट मेरे को अब इतनी हाथ तक आ रही है। और खाते हैं क्योंकि बड़े टाइम बाद खा रहा हूँ, लगभग 2 से 3 महीने बाद परांठे खाने को मिल रहे हैं आज। तो आज तो मतलब दिवाली है मेरे लिए, मेरा तो ना मज़ा आ जाएगा। तो भाई परांठे ख़त्म, और अब हम चले लेते हैं परांठा पार्टी। और मैंने खा लिया, डकार भी मार लिया अच्छा खासा। देखो जब डकार आ जाता है ना तो पता लग जाता है कि आपको पच चुका है। और डकार आना कोई बुरी बात नहीं, लोग पता नहीं ऐसे शर्माते क्यों हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपको पता था कि आप स्वस्थ हैं एकदम। तो डकार लेने में ना कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और हम चलते हैं, अभी तैयार होते हैं। तो भाई सूर्य देवता काफ़ी ज़्यादा निकल चुके हैं, और ये देखो हमारा नया ट्राईपॉड और विद माइक। मतलब तुम देख रहे हो, मतलब अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हमने इस चीज़ में। और बाकी इसके साथ हमने जैवरन किया था, मज़ा आया था उस वीडियो शॉर्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। बाय द वे तो अभी टाइम हो चुका है जाने का। अभी क्या है ना, मेरे 2 टेस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस पर स्विच कर लेता हूँ। आप बताना कि क्वालिटी कैसी है, जो अभी आप सुन रहे हैं नॉर्मल कैमरा से है। और अब मैं स्विच करता हूँ इस पर। तो गाइज मैंने स्विच कर लिया माइक के साथ अभी, जो मैंने लिया है। तो अब कमेंट करके बताना क्वालिटी कैसी है। भाई जी मेरे 2 टेस्ट बाइक का भी है और गाड़ी का भी है, तो दोनों मैं साथ में ले जा नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने कज़न ब्रदर को बोला है, जो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, उसका नाम वैसे अंशुल है, उसको बोला है कि वो साथ में चले, तो वो गाड़ी ले जा के चल पड़ेगा मेरे साथ, और मैं बाइक ले जाऊँगा। तो सबसे पहले उसको घर से लाने के लिए जाना पड़ेगा, तो चलते हैं जल्दी से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि माइक की क्वालिटी कैसी है, वर्थ इट है या नहीं। और भाई मैंने साथ में ये हेलमेट माउंट भी लगा लिया है, क्या पता थोड़ी बहुत मोटो व्लॉगिंग का मन कर जाए। वैसे गोप्रो तो नहीं है, लेकिन मोबाइल से, बट मोबाइल से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी देख लेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे बाद, देखते हैं रास्ते में काम आता है ये कि नहीं। तो भाई बात हो गई उनसे, अब चलते हैं उनको लाने के लिए। बाइक पे जा रहा हूँ फिलहाल, तो वो यहाँ पे आके जाके गाड़ी एक्सचेंज कर लेंगे। तो चलो। एक तो भाई पहाड़ों के रोड भाई जितने देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, उतने डेंजरस भी हैं, संभल संभल के चलना पड़ता है। भाई तो जा रहा हूँ मैं उनको लाने के लिए, उनको कॉल आ गया था कि भाई आ जाओ लेने के लिए। हम तैयार बैठे और टाइम भी हो चुका है, हम कहना टाइम के साथ साथ पक्के चल रहे हैं फिलहाल। तो चलो जल्दी पहुँचते उनके पास। लोग चले हैं भाई सुबह सुबह अपने कामों पर। और भाई ये तीखा मोड़ है बहुत ज़्यादा। अरे आगे आगे बढ़िया भाई, बीच में पता नहीं सड़क के बीच में कौन कांच की बोतल तोड़ देता है। भाई देख के थोड़ा करो यार, मतलब टायर में ना बड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी डर लगता है टायर पंचर ना हो जाए, ऐसा मत किया करो गाइस। चल 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 चल, रुकना मत यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, न्यूट्रल है, मैं स्टार्ट करना नहीं चाहता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यस पहुँच गई पहुँच गई पहुँच। यहाँ पे तो वो आए नहीं, लगता है घर के पास ही जाना पड़ेगा। चलो घर के पास ही चलते हैं। और कैसे रहो? ठीक है। हाँ भाई तुम्हें कैसे हो? चले नहीं पापा को देखो गाइस, मतलब तब से तैयार होने को बोले अभी तक हुए नहीं है। और मैं उनको ले भी आया जाके, देखो देखो देखो, टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इनको भी ले आए हम, पर पापा अभी तक रेडी नहीं हुए।
यहाँ पे टाइम, अरे यार इतना शोर, यहाँ पे टाइम और बर्बाद होगा। तो भाई ये तो चले गए साथ में, पापा भी हम भी चलते हैं। चाबी कहाँ गई? ये रही चाबी। तो चलो भाई हम भी चलते हैं। वो लोग तो चले गए बढ़िया एयर कंडीशनर में, साथ में बाज़ार तक पापा भी जाएंगे, पापा को छोड़ देंगे बाज़ार में और फिर हम निकल जाएंगे। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं 10-15 मिनट, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहुंच जाएंगे क्योंकि हम सुपर डुपर स्पीड से जाएंगे, जैसा कि हम अभी चल रहे हैं। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सामने से हमारी गाड़ी आ रही है भाई। लो हमने पीछा कर लिया गाड़ी का, हम भी साथ साथ में पहुंच चुके हैं। और भाई ये निकल जाता है बार बार यार, क्यों निकलता है? उसको फिट करना पड़ेगा। सवारियां सवारियां सवारियां, फायदा तो वहाँ 1000 रुपये मिल रहे हैं पापा से फ्री। जल्दी डालो फिर, पेटीएम कर देना, पेटीएम पेटीएम करो, पेटीएम करो। चलो चलते हैं यार हम। यार भाई इतने मजे से क्यों चला रहे हैं? हेलो, अंशु को देख कितने मजे से चला रहे हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं। चल भाई, गाड़ी देखो सामने वाली, इसका टायर ऐसा बबल कर रहा है ना, कहीं खुल ना जाए ऐसे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, गन्ने की शॉप भी लगने वाली है, जल्दी आए आके पियेंगे, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों तुम्हें? yes. आके पियेंगे गन्ने का जूस। तो हमारा जो ट्रायल है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारे कॉलेज के कैंपस में है, कॉलेज ग्राउंड में। मतलब ये सही है यार, मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा हमें। आए हाय खड्डे, बिना हेलमेट के चले हैं लोग, इसका मतलब आगे पुलिस नहीं है। एवरीथिंग इज लीगल इफ पुलिस नॉट इज देयर। ये मैंने वो रील देखी थी कोई सी। आए कुछ भी कहो ना, पहाड़ों पर रास्ते एकदम मस्त है, एकदम चारों मतलब दोनों तरफ पहाड़ और बीच में से रास्ते हुए हैं एकदम बढ़िया NH हाईवे वाले, मज़ा आ जाता है। ये मोड़ भाई बहुत खतरनाक वाला है, पूरा वी शेप है, यू भी नहीं है ढंग का, वी शेप है साला। हेलो ब्रो, बाय बाय। ये भाई देख रहा था हमें को गाड़ी से, किसने फोन कहाँ लटकाया है। तो ट्रक वालों से पास लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है मेरे को। अरे अरे भाई साहब, हमने थोड़ी देर पहले ओवरटेक क्या किया, आप तो रंजिश में आ गए, हमको ओवरटेक कर लिया। चलो बढ़िया है बढ़िया है, बट यार तो अब भाई इतना स्लो मत चल कि मेरे को फिर से ओवरटेक करना पड़े। यहाँ पर पेट्रोल ही नहा है, कैसा पेट्रोल पंप खोल के रखा है। तो पेट्रोल डलवाते हैं, आज क्या प्राइस है? 95 रुपये लीटर पेट्रोल ना पूरी निकाल देगा कसरत। भाई 200 रुपये भाई दे, 200 रुपये। हाँ हाँ क्यों, आपके पास नहीं है? तो 500 की नहीं नहीं 200 है मेरे पास, 2.09 ये लो। तो भाई 200 रुपये में आया सिर्फ 2 लीटर। एक टाइम था जब 80-83 रुपये होता था पेट्रोल, मतलब जब पापा भरवाते थे गाड़ी में तो भाई कभी कभी 83-85 का भी होता था। आज पेट्रोल के भाई भाव बढ़ चुके हैं, बहुत भाव खाते हैं पेट्रोल आजकल। और हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज, और यहां से लेना है हमने अंदर को। और यहां पे कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई थिंक यहीं पे होगा शायद। आ
8 है क्या? अरे भाई भाई भाई, इतना डिफिकल्ट। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सरका घाट कॉलेज, और देख सो इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वैसे यहाँ पे, और भी आई थिंक वेट, और आई थिंक वेट करना पड़ेगा क्योंकि RTO वाले अभी आए नहीं हैं। टाइम तो सालों ने 9:30 का दिया है, लेकिन खुद पता नहीं कब आएंगे। भाई टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है यार किसी को भी, मतलब क्या ही बोले मतलब। चलो कोई नहीं भाई, दिमाग की वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, तो वेट ही करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। पहले वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर टेस्ट देंगे भाई। तब तक जब तक RTO वाले आते हैं तब तक कॉलेज घूम लेते हैं, और इनको भी कॉलेज देखना है मेरा, तो दिखा देते हैं हमारा कॉलेज भी, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप लोगों के साथ। काफ़ी टाइम हो गया वो व्लॉग बनाए हुए लास्ट वाला सरका घाट कॉलेज का, उसमें भी अच्छे खासे व्यू हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं कैसा हो गया कॉलेज। फिलहाल तो कॉलेज का ग्राउंड का काम लगा है पूरा प्लेन के ज्वारा, तो भाई फ़ोन में भी स्पेस कम हो गया, जिस कारण हम कॉलेज की वीडियो नहीं बना सकते। बाकी ज़्यादा कुछ खास बदला नहीं है कॉलेज में, वैसा ही है बिल्कुल जैसा पहले था, बस ये थोड़ी सी ग्रीनरी ज़्यादा आ चुकी है, घास जैसे कि ये देख लो। हम इनको टूर दे रहे हैं अपने कॉलेज का, आज हम टूर गाइड बने अपने को। और ये रही कैंटीन और बास्केटबॉल फील्ड, यहाँ पे सारे हमने कैंप लगाए हैं अपने NSS के, वो यादें भी क्या यादें थी। और ये रहा बास्केटबॉल फील्ड, डबल है, डबल बास्केटबॉल फील्ड। ये देखो हालत बास्केटबॉल फील्ड की, स्टूडेंट्स ने खेल खेल के इसको तोड़ दिया है। अरे जंप महाराज। चलो इनको करने देते हैं, इनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, शर्माते हैं लोग। धूप बहुत है यार एकदम। भाई अभी एक कांड होते होते बच गया हमारा, चाबी गुम गई थी, तो अच्छा कि बाइक के साथ ही रह गई थी, और अपना हिमाचल कौन चोरी करेगा। अगर सही में अगर कहीं और होते ना, मतलब पंजाब साइड या, तो बाइक भी गायब, चाबी तो गायब ऑलरेडी, कुछ नहीं मिलता। आज हो गई ट्राई होनी तो हमारी, मेरा ना दिल जैसे दुखदा करके बाहर आ गया था, बट ठीक है अभी थोड़ी देर ना शांति पड़ गई। तो भाई 10:30 हो रहे हैं, अब जाके RTO वाले आए हैं, मतलब टाइम की ना वैल्यू ही नहीं है यार RTO वाले। बस सरकारी नौकरी मिल गई है एक बार तो जय राम जी की, सरकारी नौकरी मिल गई है तो भाई उसको ना मतलब ईमानदारी से करो यार, मतलब नौकरी अपने ये क्या मतलब आगे पीछे चले हो तुम, टाइम से लोगों को परेशान करते हो और तुम, तभी सरकारी नौकरी वाले बदनाम है। क्या बनाना चाहते हैं, 8 बना रहे हैं क्या कुछ नॉर्मल सा? ये तो अब थोड़ी देर बाद लगेगा पता, देखते हैं आज का ट्रायल पास होता है कि फेल होता है। इस कॉन्फिडेंस है बाकी पास हो जाए, बाकी ऊपर वाले पे भाई। इस दुकान को देखो, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है सरका घाट लवर्स फूड पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, क्या दुकान है भाई, मतलब गजब का नाम रखा है भाई हमने। सारे कॉलेज के जोड़े यहीं पे आते हैं, यहाँ पे सरका घाट लवर फूड्स पे पॉइंट पे। तो भाई वहाँ पे चल रहा है गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट, अभी बाइक का हुआ था, बाइक में हम फेल हो चुके हैं, जिसका डर था वही हुआ, बट कोई बात नहीं, अब गाड़ी का देखते हैं, भगवान करें कि हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले सीट बेल्ट लगा देते हैं, चल देखते हैं क्या होता है। यस 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 यस, पास, फाइनली गाड़ी का लाइसेंस बन चुका, मतलब मैं पास हो चुका हूँ टेस्ट में। अब चलते हैं बाकी उससे रसीद ले लेते हैं और उसको सबमिट करते हैं अथॉरिटी में, बट बाइक का नहीं बना उसका दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले महीने उसका रीटेस्ट कर लेंगे, उसमें भी पास कर देंगे। लेकिन इतनी खुशी कि गाड़ी का DL बन गया, मतलब दिल को सुकून मिला, चलो कुछ तो अच्छा हुआ भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ भाई, पार्टी आज तो पार्टी होगी, बस बाइक करा बढ़िया था ना जी, इतना मजा आएगा। जा तनिश, ये काम तू करेगा, जाके जल्दी जा हेलमेट ले गया वहाँ से, वो जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी फिर गाड़ी से उतर रहा। आ जा आ जा, यो फिर पार्टी करने कहाँ चलें, चलो जहाँ मर्जी भाई। अभी जा रहे हैं सरका घाट मार्केट, एक्चुअली यार मेरा चश्मा टूट गया है, उसको भी ठीक करा लेते हैं इससे पहले कि घर वाले देख ले, नहीं तो चित्र पड़ जाएंगे सिर के ऊपर। तो चलते हैं कुछ खा पी भी लेंगे और वो चश्मा भी ठीक करवा लेंगे।
उसके पाँप ऐसे और अलग से लगे ना कि वो टूट गया। टूटा कैसे, सोया था वो अचानक से नीचे आ गया। बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। सतोसर का घाट पहुंच चुके और पेड पार्किंग में लगा दी हमने, 30 रुपये की है। कम से कम चलान से तो बचाइए, जो 1000 रुपये जाएगा 30 रुपये देते हैं और चलते हैं। तो भाई ये है कुछ आज का मेन्यू, हमने बहुत कुछ मंगाया, एक बनाना शेक, एक चॉकलेट शेक, एक बर्गर और क्या था, इसकी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। आज मतलब फुल पार्टी होगी, फुल पार्टी, ड्राइविंग लाइसेंस के बनने की खुशी हुई। बाकी बाइक का नहीं बना, उसका दुख है, लेकिन उसका भी, उसके गम में भी पी रहे हम, उसके खुशी में भी खा रहे हैं, गम में भी खा रहे हैं, डबल प्रॉफिट। तो भाई अपना बनाना शेक ख़त्म, इसकी कोल्ड कॉफ़ी भी ख़त्म, हजम। अरे भाई साहब पी रहे अभी, आराम से पियो आराम से। और कुछ पेट पूजा बची अभी कुछ का सर, क्या आपकी तृप्ति शांत हुई, क्या कुछ और खाना चाहते हैं? तो भाई चश्मा भी बन चुका है हमारा, इस बार फ्रेम चेंज करवा लिए, बट ना मतलब मेरा ना उस जिसमें मतलब जिससे दुकानदार से मतलब ये चश्मा बनवाया ना, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं, दोबारा उस दुकान में नहीं जाऊँगा यार, इतना बेकार है ना, मतलब बहुत महंगा बताता है यार। मतलब चलो ठीक है, फिर भी बन गया हमारा, काफ़ी है ना, तो आँखों की ना दिक्कत हो रही थी बार बार ने, तो सारे काम हो चुके हैं हमारे सर का गाड़ी के, अब चलते हैं घर की तरफ। बाइक हमने कॉलेज में ग्राउंड में पार्क की थी, उसको वहीं से उठा लेंगे। और अभी ना चश्मे के साथ थोड़ा अच्छा लग रहा है, आँखों को ना थोड़ा सुकून मिल रहा है। उठा लेंगे या चला लेंगे? उठा लेंगे हम उठाने वालों में से उठा लेंगे हम, बट उस दुकान में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, पर प्लीज़ चश्मा ना टूटे, फिर जाना पड़ेगा। इट्स टाइम टू गन्ना जूस। सर के घर से आ गए थे कब के, बाकी गन्ने का जूस पी आए रास्ते में, और उनको भी छोड़ दिया अपने कज़न ब्रदर्स को। अब चलते हैं वापस, मतलब काफ़ी बातें की हम लोगों ने, अब चलते हैं वापस घर की तरफ। ना बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, मेरा मन सोने को कर रहा है, और रात को भी मैं बहुत कम सो पाया था, इसी चक्कर में ना कि मेरा कल ड्राइविंग टेस्ट है, नींद नहीं आई थी, अब घर जाके सोऊंगा आराम से। अरे है भाई भाई इतना तीखा मोड़, कभी कभी इतने तीखे मोड़ जाते ना, काटना मुश्किल हो जाता। बट यार एक दुख है कि बाइक का क्यों नहीं हुआ यार, मतलब जो डर होता है ना एक, वो आपको खा जाता है, नर्वसनेस। मैं इतना बुरा भी राइडर नहीं हूँ यार बाइक का, तो मैंने कहा था सबमिट कर लेंगे, तो मैंने सबमिट नहीं करवाया, तो भाई ने कहा था कि भाई मत करा सबमिट, क्योंकि अभी क्या है तेरा बाइक का फेल हो चुका है, लेकिन डेट है अभी तेरे लर्निंग लाइसेंस में, तो अगले महीने फिर से स्लॉट बुक करियो, जब तेरा दोनों कन बन जाए ना तब जाके सबमिट करियो। चुका है लेकिन भाई ने मना किया कि मत करा सबमिट, अगली बार ही कराना जब तेरा बाइक का भी बन जाए, तो क्या ना साथ में तेरे पैसे बच जाएंगे, नहीं तो वरना फिर टेस्ट में ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इस कारण से मैंने सबमिट नहीं करवाया, मतलब अभी भी लाइसेंस बना नहीं है पूरी तरह से, वो ऐसा मेरे पास ही रहे। बट ये है कि गाड़ी का टेस्ट दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, नहीं एक्चुअली में मॉर्निंग नहीं हो रही है, रात हो रही है, बट अब मैं सो के उठा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो भाई गुड मॉर्निंग ही हो रही है। अभी खाना खाएंगे डिनर और फिर से सो जाएंगे। आहा कितनी मज़ा वाली लाइफ है हमारी, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। आई नो यार मतलब काफ़ी चीज़ें मिस है व्लॉग में, जैसे मेरे टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो थे बाइक की और गाड़ी की, यार उन RTO वालों ने बनाने नहीं दी, पता नहीं उन्हें किस चीज़ का डर था कि वो वीडियो में आ जाएगा तो बवाल हो जाएगा, उन्होंने बनाने नहीं दी यार वीडियो, बार बार बोल रहे थे कि बंद करो, बट फिर भी मैंने एक दो शॉट और ओके चोरी छुपके बना लिए थे, बट कुछ कर नहीं सके, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहो हंसाते रहो और ऐसी वीडियोस देखते रहो। बाय बाय।